हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये हॉट एयर ओवन है और ये जो ओवन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में यूज होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये ओवन के कनेक्शन किस तरह करते हैं इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये ओवन की जो कि इंटरनल है, जो कि चैम्बर है, और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कंट्रोल पैनल देखने को मिल रहा है। और ये जो कनेक्शन जो है, ये ओवन के कनेक्शन बहुत ईजी है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दो इंडिकेटर और ये जो स्विच जो है, ये मेन सप्लाई की ऑन ऑफ करने के लिए इसमें लगा हुआ है। और ये कंपनी में जितने सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनता है सबका इंचार्ज ये है, ये हमारा देवेंद्र जी है और ये कंपनी का इंजीनियर है और इनके अंडर में ये सब काम होता है। और इनके अंडर में बहुत सारे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन भी है, यानी कि ये सब वायरिंग कनेक्शन करने के लिए और फाइनल वायरिंग, जो कि जितने सारे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन जो भी वायरिंग कनेक्शन करते हैं और उसका फाइनल चेकअप और फाइनल टेस्टिंग ये जो हमारा देवेंद्र जी करते हैं। और इनके नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा। अगर ये प्रोडक्ट आप परचेस करते हो या फिर ऑलरेडी आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप ये देवेंद्र जी को कॉल करके आप पूछ सकते हो, ये आपका जो कि सॉल्यूशन बता देंगे। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों ओवन यहाँ पर एक साथ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इसी तरह बैक साइड यानी कि दूसरे साइड में इस तरह और भी बहुत सारे ओवन, इंक्यूबेटर, ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये एक एसएसआर रिले है और ये एसएसआर रिले की कनेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइड है एसएसआर रिले की, जो कि इनपुट साइड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि 3 to 32 volt की इनपुट डीसी जो है और ये साइड जो है हमारा जो कि लोड कनेक्शन के लिए है। और एसएसआर रिले में ये जो साइड है, ये इनपुट साइड है जो कि पीआईडी कंट्रोलर के साथ लगा होता है और इसमें दो साइन होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंसर कनेक्शन के लिए है और देखिए ये 3 wire है जो कि हमारा RTD है। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो हमारा RTD सेंसर है जो कि टेम्परेचर फीडबैक देने के लिए होता है और ये जो हमारा PID कंट्रोलर जो है उसी टेम्परेचर अकॉर्डिंग ये काम करता है। और इसमें दो इंडिकेटर है और ये जो है पावर सप्लाई यानी कि मेन पावर सप्लाई की केबल है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको SSR रिले की कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा देवेंद्र जी है और ये देवेंद्र जी ये कनेक्शन करें, मैंने ये जो रिक्वेस्ट किया था जो कि वीडियो के लिए, ये देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया था इसीलिए ये कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। नहीं तो ये इनका जो कि टेक्नीशियन होता है, टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन ये सब कनेक्शन करते हैं। और ये वीडियो के लिए मैंने सिर्फ ये देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो एसएसआर रिले में देखिए, ये जो दो पॉइंट है जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये दो पॉइंट जो कि इनपुट के लिए है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये सीधा जाके जो कि हमारा PID कंट्रोलर के साथ लगा होता है, यानी कि इसमें दो साइन होता है, SSR रिले में दो साइन होता है और PID कंट्रोलर में दो साइन होता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि SSR रिले में जो कि पॉजिटिव साइड को लेकर हम PID कंट्रोलर में पॉजिटिव साइड में लगाते हैं और नेगेटिव को लेकर नेगेटिव के साथ लगाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में मैं पूरा कनेक्शन की डिटेल्स बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये प्रसाद ओवरसीज कंपनी है जो कि राजस्थान में जयपुर झुटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में है। और ये जो कंपनी ज़्यादातर जो कि की मोल्ड वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जैसे कि ये जो है ये हॉट एयर ओवन है और इसी तरह लामिनार एयर फ्लो BOD इंक्यूबेटर जो कि मेडिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और इनका जितने सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है ये ISI द्वारा सर्टिफाइड है। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हॉट एयर ओवन, BOD इंक्यूबेटर, लामिनार एयर फ्लो, वाटर बाथ लेना चाहते हो तो इनके वेबसाइट जो है www.prasadoverseas.com आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दे रखा हूँ जो कि लेफ्ट साइड में, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके ये सब चीज़ों के लिए ऑर्डर आप दे सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक भी अवेलेबल है और इसी तरह दूसरी साइड में भी और भी बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल होता है। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट साइज और डिफरेंट रेटिंग का भी अवेलेबल है और कस्टमाइज भी होता है, जाने का पर्टिकुलर किसी साइज में बनाना चाहते हो तो आप ऑर्डर देके बना सकते हो। और इसी तरह चलिए फ्रेंड्स, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा हॉट एयर ओवन है और ये हॉट एयर ओवन देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टॉक में अवेलेबल है। और देखिए अभी मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तो देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम बताऊँगा और डायग्राम देखे आप बहुत ईजिली कनेक्शन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और भी थोड़ा बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सेंसर कनेक्शन है, और सेंसर कनेक्शन देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पर जो कि पॉइंट जो दी रखी है, और इसमें आप थर्मोकपल और आरटीडी इसमें लगा सकते हो अकॉर्डिंग योर टेम्परेचर। और यहाँ पर देखिए जो कि एसएसआर रिले के लिए जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखिए दो पॉइंट में एक पॉइंट जो कि एसएसआर रिले के लिए लगा हुआ है और दूसरी पॉइंट भी इसमें लगाया जाएगा जो कि नेगेटिव पॉइंट जो है। और ये पीआईडी कंट्रोलर में बहुत सारे और भी अलग अलग पॉइंट होता है, जैसे कि एनओ एनसी और कॉमन पॉइंट होता है, वो सब जो कि हमारा कॉन्टैक्टर में यूज करते हैं, और किस तरह कॉन्टैक्टर में यूज करते हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एसएसआर रिले के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो चार नंबर है और ये तीन नंबर है, और तीन नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पॉजिटिव वायर है, यानी कि पॉजिटिव वायर कनेक्शन करने के लिए दी गई है, और चार नंबर पे नेगेटिव है। और इसी तरह हमारे जो कि पीआईडी कंट्रोलर है, पीआईडी कंट्रोलर में देखिए पाँच नंबर पर पॉजिटिव है जो कि हम तीन नंबर पर लगाएंगे, और चार नंबर जो कि नेगेटिव है ये हमारे जो कि चार नंबर पर लगाएंगे। और देखिए इसमें पीआईडी कंट्रोलर में एसएसआर रिले भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए तीन नंबर जो कि पॉजिटिव वायर है, और इसी तरह देखिए चार नंबर जो कि नेगेटिव वायर है। और इसी तरह जो कि हमारा आउटपुट की कनेक्शन जो है, आउटपुट की कनेक्शन के लिए हम जो हीटर कनेक्शन देते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो हमारा जो कि रिले के आउटपुट सेक्शन है, देखिए ये जो एक नंबर है, ये जो दो नंबर है, और एक नंबर में हम डायरेक्ट जो कि स्विच के थ्रू में हम फेस सप्लाई देते हैं, और दूसरी पॉइंट देखिए जो कि ये जो हमारा हीटर की जो कि फेस पॉइंट है, ओके। और इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से इनपुट करता है जो कि स्विच के थ्रो में, यानी कि जब हम हमारा जो कि पीआईडी कंट्रोलर से कमांड आता है, जितना टेम्परेचर सेट होता है उतने टेम्परेचर में ये जो हमारा रिले काम करता है, जिन रिले की जो कि ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग होता है, और इसी तरह इसमें पावर जो कि पास करता है, यानी कि यहाँ से जो कि हमारा फेज जो मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्विच के थ्रो में जो कि ये पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर ये इनपुट करता है, देखिए ये जो हमारा मेन सप्लाई है, और मेन सप्लाई में देखिए जो कि हमारा फेज और न्यूट्रल होता है, यानी कि ये रेड कलर की जो कि फेज है और ब्लैक कलर की न्यूट्रल। देखिए ये जो हमारा टगल स्विच है, टगल स्विच की इनपुट पॉइंट है, और आउटपुट पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट जो कि हमारा एसएसआर रिले में लगाया गया है। देखिए ये एसएसआर रिले की जो कि लोड पॉइंट है, लोड पॉइंट में वन पॉइंट में लगाया गया है एक नंबर पर, और इसी तरह जो कि हमारा जो कि पीआईडी कंट्रोलर में भी न्यूट्रल और फेज देना पड़ता है, इसी तरह इसमें एक लूप लेके हमारा जो कि पीआईडी कंट्रोलर में फेज और न्यूट्रल लगाया दिया गया है। और इसी तरह देखिए ये जो हमारा जो कि नेगेटिव पॉइंट जो है, ये नेगेटिव वायर को देखिए ये लेके हमारा जो कि हीटर में नेगेटिव पॉइंट में इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिंपली कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा फेज न्यूट्रल है, जो कि फेज सप्लाई देखिए जो कि स्विच के थ्रो में आके हमारा जो कि रिले की ये पॉइंट में इनपुट हुआ है, और दूसरी पॉइंट में देखिए ये जो पॉइंट है हमारा जो कि सिंपली हीटर के साथ कनेक्शन कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा जो कि पीआईडी कंट्रोलर है, पीआईडी कंट्रोलर में देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर जो कि है ये हमारा आरटीडी के लिए है, और एक नंबर, दो नंबर जो कि हमारा थर्मोकपल कनेक्शन करने के लिए है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, जो कि छः नंबर और सात नंबर जो कि मेन सप्लाई यानी कि एल एन यानी कि फेज न्यूट्रल के लिए है, और इसी तरह देखिए आठ नौ दस जो कि एन सी यानी कि कॉमन पॉइंट और एन ओ पॉइंट के लिए है, और ये तीनों पॉइंट जो कि हमारा कॉन्टैक्टर में कनेक्शन होता है, जैसे ही मैंने आपको बता रहा था इसके बारे में अलग से बताऊंगा। और ये जो एसएसआर रिले देखिए फ्रेंड, जो कि चार नंबर पाँच नंबर जो है ये हमारा पीआईडी कंट्रोलर में एसएसआर रिले की कनेक्शन करने के लिए है। और इसी तरह इसका सिंपल कनेक्शन करते हैं, और कनेक्शन और वायरिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह कवर लगा दिया जाता है, और ये जो कवर देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉटम साइड है, और बॉटम साइड में इसमें वायरिंग कनेक्शन होता है। और इसी तरह और भी बहुत सारे डिजाइन होता है जो कि ऊपर के साइड में कनेक्शन करते हैं, उसके ऊपर भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स किस तरह हमारे जो कि ये देवेंद्र जी किस तरह देखिए इसमें स्क्रू लगा रहे हैं, किस तरह ड्रिलिंग मशीन से देखिए स्क्रू लगा के इसमें फिट कर रहे हैं, और इसी तरह ये सब कनेक्शन और इसमें वायरिंग वगैरह करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अभी ये जो पीस को मैं सीधा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीधा करने के लिए हमारे पास जो कि देवेंद्र जी है, ये पीस को सीधा करके देखिए फ्रेंड्स, अभी ये नीचे के साइड कनेक्शन होने के बाद ये पीस को सीधा कर दिया जाता है, और सीधा करने के बाद देखिए जो चैम्बर जो देख रहे हो फ्रंट साइड में, इसमें डोर भी लगाते हैं, और इसी तरह डोर लगा के ये जो हमारा फाइनल पीस, इसमें उसके बाद टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग जो है हमारा देवेंद्र जी करते हैं, और उसके बाद पैकिंग वगैरह कर दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके वायरिंग डायग्राम भी दिखा देता हूँ।